आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भगवान वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोहन भागवत के बयान पर तंज लहजे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नागपुर द्वारा अग्नि मिसाइल दागी गई जिसका निशाना लोक कल्याण मार्ग था। भागवत की टिप्पणी का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। गौरतलब है झारखंड के गुमला में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आत्मविकास के क्रम में एक व्यक्ति सुपरमैन फिर देवता और भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत ने कहा कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वह वहां रुकता नहीं है। इसके बाद उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है और फिर वह भगवान बनना चाहता है। भगवान कहता है कि वह तो विश्व रूप है, तो वह विश्व रूप बनना चाहता है। वहाँ भी कुछ है क्या, रुकने की जगह ये कोई नहीं जानता है, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी और अंदर का विकास भी, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य को मानवता के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। एक कार्यकर्ता को अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि कुछ लोगों में मनुष्य होने के बावजूद मानवीय गुणों का अभाव होता है। उन्हें सबसे पहले अपने अंदर इन गुणों को विकसित करना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निरंतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य करना ही एकमात्र समाधान है। बदलते समय के साथ हमारे कपड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। बदलते समय में अपने काम और सेवाओं को जारी रखने के लिए हमें नए तौर तरीके अपनाने होंगे। जो लोग अपने स्वभाव को बरकरार रखते हैं उन्हें विकसित कहा जाता है। भागवत ने कहा कि वह देश के भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे, क्योंकि कई लोग इसकी बेहतरी के लिए सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।